आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। नोएडा के थाने क्षेत्र 49 के गांव बरौला में उस वक्त तड़का मच गया जब घर से ही थोड़ी दूर पर पेड़ से दो सगी बहनों का शव लटका हुआ मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक लड़कियों की मां ने आरोप लगाया कि उनके सगे ही रिश्तेदार लड़कियों को काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। देखिए, सूचना मिली थी कि दो बहनें हैं, सगी बहनें, जिनका शव पेड़ पर लटका हुआ था। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शवों को उतरवा कर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। अभी कुछ भी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। मैनपुरी में एक पुत्र ने अपने फौजी पिता पर अपनी सौतेली मां के साथ मिलकर हत्या जैसे संगीन अपराध की साजिश रचने के बाद हत्या करवाने का आरोप लगाया, जिसमें बुरी तरह से घायल होने पर पुत्र ने एसपी को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने अपने पिता और सौतेली मां के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बागपत में तीन भाइयों ने अपनी सगी बहन की नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी, जिसके बाद मामले को छिपाने के लिए बहन के शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची मृतका की तीन बहनों ने जल्दी चिता से शव निकाल लिया और पुलिस को जानकारी दी। मृतका की बहनों का आरोप है कि जमीन के बंटवारे को लेकर उन्हीं के भाइयों ने बहन की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर में स्कूल जा रहे 7वीं क्लास के एक छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। छात्र की साइकिल और बैग स्कूल जाने वाले रास्ते पर मिला है। अपहरण छात्र के भाई का कहना है कि उसके पास अपहरणकर्ताओं का फोन आया था, जिसमें 20,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच में जुटी है। हाथरस में वन विभाग द्वारा किसानों के खिलाफ वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर कई ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए मुकदमा निरस्त करने की मांग की। साथ ही वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ एक महिला किसान के साथ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। ग्रामीणों के साथ विधायक भी थाने आए, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। सूचना पर SDM थाने पहुंची और किसानों को समझाकर शांत कराया। हाथरस की घनी आबादी के अतिव्यस्त चौराहे सासनी गेट पर अचानक दौड़ता हुआ एक हिरन आ गया, जिसे देख लोग चौंक गए और उसे देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कुछ युवकों ने बमुश्किल हिरन को पकड़ा और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के किसी कर्मी के मौके पर नहीं आने पर लोगों ने हिरन को जंगल में छोड़ दिया। बदायूं में ARTO द्वारा बताया गया कि करीब 3,000 से ऊपर हैवी लाइसेंस फर्जी रूप से बनाए गए हैं, जिसको लेकर ARTO ने मामले की स्वयं जांच की है, जिसमें भारी संख्या में लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद इसकी जांच परिवहन आयुक्त जांच कमेटी को सौंप दी गई है। ARTO NC शर्मा ने बताया, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए कुछ रजिस्टरों को अपने सेफ में रखवा लिया था और जैसे जैसे मेरे सामने प्रकरण आते चले गए और जो आवेदक आते थे वाहन चालक अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए, उनसे मैंने पूछताछ की तो मुझे प्रथम दृष्टया उनमें बहुत सारे लाइसेंस फर्जी महसूस हुए, संदिग्ध लाइसेंस महसूस हुए। इसके बारे में मैंने तुरंत संभागीय परिवहन अधिकारी बरेली और उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र बरेली को अवगत करा दिया है और उनकी उप परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा एक जांच कमेटी बना दी गई है और उनकी देख रेख में इनके जो संदिग्ध लाइसेंस हैं उन सभी रजिस्टरों की जांच चल रही है। सिद्धार्थनगर में आयोजित कपिलवस्तु महोत्सव 2017 के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। सांस्कृतिक संध्या में गायिका मालिनी अवस्थी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में जुटे। बता दें कि जिले के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ कपिलवस्तु महोत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर मालिनी अवस्थी ने कहा कि अभी भी लोगों में भोजपुरी और लोकगीतों का क्रेज बरकरार है। दो लड़कियों ने बताया कि वो एक स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमसे बोली कैसे खेलन जेबू, उन्होंने फरमाइश की कजरी की, तो बाद में बताया कि मैडम आपका ये गीत गाकर हम लोग फर्स्ट आए थे वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जिनसे कि भविष्य उज्जवल है। मुझे लगता है कोई एक पहल करता है, हम लोग जिस समय गाते थे उस समय एक बहुत ही सेट, मैं कहूँगी सतही भोजपुरी गाने की परंपरा थी, भोजपुरी कहने से ही एक अलग टाइप के गायकों की छवि आती थी, लेकिन मैंने कहा कि वो
गायकी ना तो मेरी मंजिल है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्वज गाते रहे हो उन गीतों का मर्म समझते समझाते मैं एक धारा बनाऊँ। आज बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग ही इस तरह से गा रहे हैं, और ये देखिए जितना हम दूर भागेंगे अपनी जड़ों से उतना वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए लोक संगीत तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। राजधानी रायपुर के बीच 19 एकड़ की जमीन पर प्रस्तावित ऑक्सीजोन के लिए कवायद शुरू हो गई है। खालसा स्कूल के पास बन रहे इस ऑक्सीजोन के लिए इलाके की दुकानें बाधा बन रही थी, लिहाजा इसे तोड़ने का फैसला हुआ तो व्यापारी विरोध पर उतर आए। हालांकि प्रशासन ने व्यापारियों को दूसरी जगह मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। ऑक्सीजोन के निर्माण से प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही शहरवासियों को शहर के बीचों बीच हरा भरा और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। इसके लिए क्षेत्र में 70 दुकानें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।